अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम जानते हैं कि सलमान खान को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, तो चलिए आज हम बनाते हैं उसी से मिलता जुलता कुछ फ्लेवर और टेस्ट। आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, चलिए आज हम बनाते हैं चिकन स्मोकी बिरयानी। इसके लिए हमको चाहिए ये है बासमती राइस हाफ के जी। मैंने चिकन लिया है वो भी हाफ के जी लिया है। हम क्योंकि स्मोकी चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो हमको ये कोयले लगेंगे जिससे हम इसको स्मोकी बनाएंगे। मैंने ये चिली फ्लेक्स लिए हुए हैं। ये बिरयानी मसाला है एवरेस्ट का, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये दो नींबू लिए हैं, इसका रस निकाल लेंगे। एक कटोरी भर के हमने दही लिया है, ये एक गाढ़ा दही है। और साथ ही हमने टमाटर लिए हैं दो दो टमाटर हमने चॉप करके रखे हुए हैं। इसके साथ मैंने धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज़ को इतने मोटे मोटे ऐसे शेप में मैंने काट लिया है और इन सबको मैंने चॉप करके रख लिया है। एक प्याज ली है मैंने बड़ी, और उस प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। अब हम लेंगे कुछ गरम मसाले। गरम मसाले में मैंने ली है 3 से 4 लौंग, एक स्टार फ्लावर, एक मैंने लिया है तेज़पत्ता, एक ही मैंने लिया है बड़ा इलायचा। आप छोटी इलायची भी ले सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने वो नहीं ली है। क्योंकि मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ तो खड़े मसाले डालें ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी ले ली है 7-8, और साथ ही मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून भर के। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, गरम मसाला पाउडर, ये दोनों 1-1 टेबल स्पून है। मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और कोरिएंडर पाउडर है, ये मेरा 1 टेबल स्पून भर के है। तो बस, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा हमको 1 टेबल स्पून भर के। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिरयानी बनाना। इसके साथ ही ये मैंने दो इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए हैं। ये केवरा वाटर है, ये डाबर का केवरा वाटर है, और ये कश्मीरी रेड चिली है एवरेस्ट की। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये मैंने कलर के लिए यूज़ करना है और ये फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले ये तेल लेंगे। तेल मैंने नहीं बताया है, ये 1 कप तेल है। तेल और नमक दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने हिसाब से डालें तो ही बेहतर होता है। मैंने ये 1 कप तेल डाला है। मैं लास्ट में थोड़ा सा घी भी यूज़ करूँगी बिरयानी के ऊपर डालने से, उससे बिरयानी में अच्छा शाइन आ जाता है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। ये जरा सा कड़क जाए। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक में। और ये सारे मसाले जो पाउडर मसाले थे, ये कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। सॉल्ट मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इन सबको थोड़ा इनकी रॉयल स्मेल जाए तक पका लेंगे, भून लेंगे। अब हम इसमें ये चिकन के पीसेस डालेंगे। ये 1/2 केजी के करीब चिकन है, मैंने धो के रखा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले को भून लेंगे। साथ ही हम इसमें ये चॉप टमाटोज डाल देंगे।
चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जब तक हमको इसको भून लेना है। चिली पाउडर डालेंगे, इससे सिर्फ कलर आएगा रेड, 1 टीस्पून। और इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका ये पानी सूख जाए और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें दही डालेंगे और चिकन आधा पक जाएगा, आधा ये चावल के साथ पकेगा। ये मैं बिल्कुल फास्ट में कर रही हूँ। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, ये तली हुई प्याज हम इसमें डालेंगे, बाकी हम चावलों के ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से दही को डाल के भून लेंगे। इसमें ये बिरयानी मसाला डालेंगे, ये भी हम 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, और साथ ही हम इसमें ये धनिया पुदीना मिर्ची जो हमने काट के रखी थी आधी डाल देंगे, थोड़ी सी हम रोक लेंगे चावल के ऊपर डालने के लिए। जब ये इसमें इतना पानी बचे हम इसके नीचे ये पैन के नीचे तवा रखेंगे ताकि हमारी बिरयानी नीचे से ना लगे, और उसके ऊपर ये पैन रखेंगे। अब इसका स्मोक को लगाए हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल देंगे। अब हम इसको खोलेंगे और ये प्लेट को हम रिमूव कर देंगे। और ये चावल जो हमने बॉईल किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे धीरे से। हम इसमें नींबू डाल रहे हैं, 1 नींबू डालेंगे, नींबू का रस। जो धनिया पुदीना हमने थोड़ा सा बचाया था ये ऊपर से डालेंगे। इसमें कलर डालेंगे, ये फूड कलर है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये कलर को आप डाल दीजिए। इसके बाद जो हमने ये प्याज तल के रखी हुई थी ये डाल देंगे ऊपर से। हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे ऊपर से, और मैं इसमें 1 टीस्पून जितना केवरा वाटर डाल रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना डालें, इससे थोड़ी खुशबू एनहेंस हो जाती है बिरयानी की। और इसको अब हम
पैक कर देंगे और नीचे से हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। पाँच मिनट के बाद हम इसको सिम पे कर रहे हैं और इसको अब हम कम से कम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, जितना भी देर में ये पूरा अच्छे से भाप में गल जाएगा चावल और जो भी इसमें चिकन है, इसको जब तक पकने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है और ये इतनी खिले खिले खुशबूदार, पूरा किचन मेरा खुशबू से महक रहा था। देखिए चावल कितने खिले खिले हैं और बहुत ही यमी और टेस्टी बिरयानी तैयार हुई, यकीन मानिए। तो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने ये बिरयानी ट्राई की या नहीं की, कैसी बनी। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी इसको बनाकर आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।